नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सारे अच्छे से होंगे, फाइन होंगे, फिट होंगे और एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। ठीक है, तो दिस साइड बासित असलम, आज का होस्ट हूं मैं। जैसे कि आपने पोस्टर देखा ही होगा कि आज हम बहुत ही बहुत 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 अमेजिंग सेशन होने वाला है जिसका नाम है टॉक शो। ठीक है, आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी, मैं मान के सर, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, जिन्होंने लाखों नहीं हजारों हजारों नहीं लाखों बंदों को गाइड किया है, आज हम उनको गेस्ट बुलाने वाले हैं जहां पे आपको बहुत सारी चीजों की क्लियरिटी मिलने वाली है। आपको वेलकम करना चाहता हूँ, मेरा नाम बासित असलम है। बाई प्रोफेशन में एक बीटेक स्टूडेंट हूँ, बट बाई चॉइस से एक ऑन्टरप्रनोर हूँ। आज से 3.5 साल पहले मैंने अपनी ऑन्टरप्रनोरशिप जर्नी को स्टार्ट किया था एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट के साथ जिसका नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, जहां पे आज बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी इस सिस्टम के साथ वर्क कर रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, हजारों में कमा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों का वेलकम करना चाहता हूँ आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, शायद चैट का ऑप्शन बंद हो गया, शायद चैट का ऑप्शन बंद है। तो मैं आप सब लोगों से 2 मिनट में जल्दी जल्दी, आप एक्साइटेड है, आपके सामने अभी यूट्यूब पे थम्स अप का ऑप्शन आ रहा है, तो आप जल्द से जल्द लाइक का बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। एक्साइटेड है आज आज इस सेशन के लिए, जल्द से जल्द आज आप एक्साइटेड है इस सेशन के लिए सर? ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सारे रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सारे रेस्पॉन्सेस है। ठीक है, आई होप कि सर, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहां पे भी आप बैठे, आप एक कीप काम कूल प्लेस में बैठिए, कूल प्लेस में बैठिए, क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है कि सर आज हम किस पर्सनैलिटी के साथ एक सेशन, कौन पर्सनैलिटी आज आपको एक बहुत ही बड़ी अमेजिंग क्लैरिटी देने वाली है, जिनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है। ठीक है, जिनके पास सर एक्सपीरियंसेस का ढेर पड़ा हुआ है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं आप मेरे चेहरे से, मेरे बातों से, मेरी एक्साइटमेंट, मैं खुद पहले एक्साइटेड हूं कि मैं उनको होस्ट कर रहा हूँ, बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं उनको होस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 मिनट दे दीजिए सर आप मुझे, मैं देख रहा हूँ कि क्या हमारे साथ सर ज्वाइन हो चुके हैं, तो मैं उनको इन्वाइट करूंगा। 2 मिनट दे दीजिए आप मुझे, 2 मिनट मैं देख लेता हूँ क्या सर हमारे साथ सेशन में एंटर हो चुके हैं। ठीक है, मैं सर को इनवाइट करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी हमारे पास लाइक्स 277 आई है। जब तक मैं 500 लाइक्स, आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक का बटन दबा दीजिए सर, लाइक का बटन दबा दीजिए, एक्साइटमेंट शो कीजिए, आपके कितने एक्साइटेड है आज इस सेशन के लिए। ठीक है, तो तब तक मैं देख लेता हूँ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यस सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, जिनका नाम है मिस्टर मनप्रीत सिंह ओजला सर। ठीक है, मैं इनवाइट करना चाहूंगा, वेलकम सर, वेलकम सर, मैं आप वेलकम करता हूँ सर। 400 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आपका वेलकम कर रहे हैं यहाँ पे आज के इस सेशन में। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाला आज के इस सेशन के लिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच बासित। कैसे हो जी आप? बासित कैसे बस हो? बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया, एकदम बढ़िया। और कश्मीर में मौसम कैसा है आज की डेट में? सर आज की डेट में शाम को सर बारिश रोज हो रही है, बस दिन में धूप हो रही है, लेकिन शाम को सर बारिश रोज, मौसम बहुत बढ़िया है सर। सर कब आ रहे हैं सर आप कश्मीर? सर नेक्स्ट ट्रिप प्लान कीजिए मेरा डेफिनेटली मन सर। बड़ा कर रहा है कश्मीर आने का। कश्मीर सर वाकई में डेफिनेटली सर, जाना है। डेफिनेटली वेलकम करने के लिए तैयार है हम सर, एक्साइटेड है सर, आप आ जाइए जब आपका सर मन करे, महीने 2 महीने के बाद सर, जिस टाइम क्या आपके पास टाइम हो सर, आप हमारे साथ आ जाइए सर। आज का सेशन, आज हमारे साथ सर बहुत सारे न्यू पार्टिसिपेंट्स भी है, बहुत सारे पुराने पार्टिसिपेंट्स भी है सर। थोड़े से सर कुछ क्वेश्चंस है मेरे आज, थोड़े से सर आपके पास तो एक्सपीरियंसेस का बहुत ढेर पड़ा हुआ है सर, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ कुछ पूछने वाला हूँ, जहाँ पे सर थोड़ा सा आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सर स्टार्टिंग में ऐसे करूंगा सर, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए सर, कि आप कहाँ से सर, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर, आप प्रोफेशनली बाय प्रोफेशन पहले क्या करते थे सर, कैसे आप इस सिस्टम में आए, तो सर आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा सर, कैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आपने मुझे जहाँ पर आज बोलने का मौका दिया है, जहाँ आने का, आप लोगों के सामने रूबरू होने का मुझे मौका मिला है, और अपनी जर्नी के रिलेटेड जो आप मुझसे जो क्वेश्चन पूछेंगे, सो मैं उसका
आपको बड़े अच्छे तरीके से जो सच में है, जो रियलिटी है, उसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की प्रॉपर कोशिश करूंगा, ठीक है। सो जैसे आपने बोला कि कैसे शुरुआत हुई, मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। नाम मनप्रीत सिंह गौजला। बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। पंजाब में एक छोटी सी सिटी है चमकौर साहिब, और मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। और इस सिस्टम के साथ, इस सिस्टम नहीं बोलूंगा मैं, इस वंडरफुल सिस्टम के साथ बोलूंगा, इस वंडरफुल सिस्टम के साथ मुझे तकरीबन 8.5 साल का समय हो चुका है। अमेजिंग सर, अमेजिंग। 8.5 साल का सर, आप गाइस देखिए सर, 8.5 साल का एक्सपीरियंस आज सर हमारे साथ शेयर करेंगे। सर ये छोटी मोटी कोई चीज नहीं है, जितने भी पार्टिसिपेंट मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, छोटी मोटी कोई चीज नहीं है सर, 8.5 साल का एक्सपीरियंस। तो आप देख सकते हैं जो सर ने 8.5 साल में जो चीजें अचीव की है, अगर हम उन टिप्स को प्रॉपर सीखेंगे, प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो चीज हम विद इन 1 ईयर विद इन 2 ईयर में अचीव कर सकते हैं सर की गाइडेंस से। तो मेरा स्टार्टिंग का सर पहला जो सवाल है सर, आप इस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल है सर, स्टार्टिंग में सर आपको क्लियरिटी कैसे हुई, आपके पास एक कॉन्सेप्ट कैसे आया, और फिर आपके पास क्लियरिटी कैसे आई इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड सर? बासित देखो मैं थोड़ा स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे 8.5 साल पहले जब मैंने स्टार्टिंग की, जहां आने से पहले जो मेरी स्टडी थी बेसिकली वो सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी थी। मैं सिविल इंजीनियरिंग की मैं स्टडी कर रहा था, है ना। लेकिन जैसे हुआ कि आपका मेरा आना कैसे हुआ ना, वो क्या है, जब मैं स्टडी में था ना, सो जब स्टडी स्टार्ट की थी और उसके बाद जब मैं पास आउट होने वाला था इंजीनियरिंग करने के बाद, सो माइंड में चलने लगा यार आने वाला फ्यूचर कैसा है, है ना। हम कुछ ना कुछ देखते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हमने कहाँ तक पहुंचना है, कोई ना कोई ड्रीम होता है। जैसे आज की डेट में सभी का मतलब मैं देख रहा हूँ कि आईलेट्स सेंटर भरे पड़े हैं, लोग बाहर जाने की, कोई कैनेडा, यूएसए, है ना। सो ऐसे ही मैंने सोचा कि यार मुझे एक अच्छा काम चाहिए, मैं एक ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरे ऊपर कोई बहुत ज्यादा बर्डन ना हो, और कोई सिटिंग जॉब ना, घूमने फिरने वाला काम, और सबसे जरूरी है पैसा, कि पैसा भी अच्छा खासा हो। सो मैं तो सच में यही बोलूंगा कि परमात्मा ने बिल्कुल मेरे पास आकर मेरी बात सुन ली, और मुझे बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम मिला। मुझे घूमने फिरने का पूरा शौक था, लाइफ को एक्सप्लोर करने का शौक था, और इसी सिस्टम के थ्रू मुझे वो लाइफ को जीने का मौका मिला। और जो आपने बोला है कि इस बिजनेस की क्लैरिटी कैसे हुई, राइट। सो क्योंकि मैंने देखा था, जब मैं स्टडी कर रहा था, मैंने अपने टीचर्स को देखा, क्योंकि बासित हम जो कुछ कर रहे हैं आज की डेट में, हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जैसे मैं स्टडी कर रहा था ना, जैसे कोई भी पर्सन कोई जॉब कर रहा है ना, जो उनका फ्यूचर क्या है, जैसे मैं स्टडी कर रहा था मैंने देखा अपने टीचर्स को, क्योंकि जो मेरे टीचर्स है वो मेरे हायर स्टडीज उन्होंने की थी, इसीलिए वो हमें स्टडी करवा रहे थे। मैंने देखा उनका लाइफ स्टाइल, है ना, उनका लाइफ स्टाइल देखकर मैं 1% मुझे मोटिवेशन, बल्कि मुझे डीमोटिवेट हुआ। मैंने यार मैंने सोचा कुछ और था स्टडी के बारे, ऐसी लाइफ होगी, ऐसी होगी, लेकिन सच्चाई वाकई कुछ और ही बनती चले जा रही है। और फिर मैंने जो मेरे सीनियर्स जो पास आउट हो चुके थे उनके बारे में देखा, जो 1 साल पहले पास आउट थे उनको देखा, जो 2 साल पहले पास आउट होते उनको देखा। सो मतलब सच्चाई बड़ी कड़वी सी थी, सो मन बड़ा खराब सा हो रहा था, सो मन में इच्छा कुछ और थी। सो जैसे होता ना, जैसे जैसी चाहत वैसा रहा, है ना, आपको मिल ही जाता है। सो मेरी लाइफ में भी जैसे बासित आपकी लाइफ में फॉरएवर आई, हम सभी लोगों की लाइफ में फॉरएवर आई, ऐसे ही मेरी लाइफ में भी फॉरएवर आई, क्योंकि इच्छा थी कुछ करने की। वो बोलते हैं कि जिससे इच्छा होती है उसको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलता है, है ना। क्योंकि एट द एंड प्रैक्टिकली अगर हम सोचा जाए कि जो आज कुछ भी कर रहे हैं, आप अपना प्लेटफॉर्म चेक करें, एक तरफ आपका ड्रीम है, सपना है, और एक तरफ प्लेटफॉर्म है। मेरे ड्रीम बहुत बड़े थे, मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता था, बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन जो मेरा प्लेटफॉर्म था वहां 10, 15, 20, 25, 30, 50 हजार मैक्सिमम 1 लाख तक का ही प्लेटफॉर्म था। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, कुछ बड़ा चाहिए, क्योंकि सपने शुरू से बहुत बड़े थे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब कर रहा है, वो 10 हजार की जॉब है, 20 हजार की जॉब है, 50 हजार की जॉब है, उसका आगे कहाँ तक पहुंचेगा जो आज उनका जो सीनियर वहां पर है। क्या देखिए कि जो आपका सीनियर, आप किसी को जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, कि नेक्स्ट जो आपका, जिनका आपसे 5 साल पहले या 10 साल पहले का ज्यादा का एक्सपीरियंस है, कि उनकी लाइफ कैसे है। सो मैंने देखा लाइक मनदीप कंबोज सर को देखा, मनदीप सर के उस टाइम के सीबी लेवल 2 के 84 लाख का पेआउट आया था, 84 लाख का पेआउट मैं देखकर हिल गया था कि यार वाकई में इतना पैसा भी आता है ना। सो सर की जर्नी के बारे में सुना कि सर
ही वॉज रीजनल हेड ऑफ रिलायंस नॉर्थ इंडिया के, नॉर्थ रीजनल हेड थे रिलायंस में। सो उतना जितना वो एक साल का पैकेज था ऑलमोस्ट उतना वो फॉरएवर में मंथली, और 8-10 लाख रुपया उस टाइम पर मंथली अर्न कर रहे थे। सो इसी चीज की मुझे क्लैरिटी हुई कि नहीं, जो जहाँ पर मेरे सीनियर है, जहाँ पर मेरा मेंटोर है, अगर वो आज तक वहां पर है, वो मुझे भी कहीं ना कहीं जरूर पहुंचा देगा, क्योंकि एट द एंड मैटर क्या करता है, प्लेटफॉर्म, कि जो हमारे सीनियर आज जहाँ पर है, मेंटोर हमारे जहाँ पर है, वो हमें भी कहाँ कहीं ना कहीं पहुंचा देंगे। और मेरा वो डिसीजन लिया हुआ बासित बिल्कुल बिल्कुल सही साबित हुआ, और आज बड़े अच्छे लेवल्स के ऊपर मैं इस लाइफ को, इस फॉरएवर जर्नी को, जिसका नाम ही फॉरएवर लाइफ टाइम के लिए, इस जर्नी को मैं बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। अकेला सबसे अच्छी बात है कि मैं नहीं कर रहा, साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स है ना, फॉरएवर फ्रेंड्स बोलूंगा मैं है ना, जो सारी लाइफ के लिए फॉरएवर रहने वाले है ना, कि साथ में ग्रो कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। Exact, sir. तो सर का कहने का मतलब है, मैं गाइस आप सब लोगों से एक बात बोलूंगा, एक चीज हम ऑब्वियसली हमारे माइंड में स्टार्टिंग से ही सबको पता है कि ऑब्वियसली ज्यादा पैसा बिजनेस में, लेकिन बिजनेस में भी कब पैसा आता है, जब हमारे प्रोडक्ट्स की सेल हो जाती है। एग्जैक्ट, ये हर किसी को पता है, लेकिन अगर आप आज की डेट में चेक करें सर, अगर हम आज की डेट में चेक करें, बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेस है सर, लाखों करोड़ों पैसों अरबों पैसों खर्चना पड़ता है तब जाके हमारे पास पैसा आ जाता है। अगर हम कोई करोड़ का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लाखों में अर्न करते हैं, अगर लाखों का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हजारों में कमाएंगे। तो सेम जैसे कि सर ने बताया, स्टार्टिंग में अगर मैं अपनी बात बताऊं तो सेम मैंने भी देखा कि जब भी मैं इस बिजनेस में आया था तो मैंने भी देखा कि मेरे सीनियर्स लाइक मैंने ओजा सर को देखा, कमल सर को देखा, तरन सर को देखा, अरे सर को देखा, मनदीप सर को देखा कि ये इतना पे आउट अर्न कर रहे, तो वहां पे एक चीज क्लियरिटी मिल जाती कि नहीं यार बिजनेस बहुत बड़ा है, यहाँ तो यहाँ से तो मैं बहुत पैसा अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेम सर ने भी एक प्रॉपर क्लियरिटी देखी कि हमारे सीनियर्स इतना अर्न कर रहे, इतना अर्न कर रहे, तो मैं भी इतना अर्न कर सकता हूँ, मैं भी यहाँ से अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। तो गाइस जो भी पार्टिसिपेंट्स आज पहली बार आ रहे हैं, जो या असिस्टेंट सुपरवाइजर पे लेवल वर्क कर रहे हैं, या सुपरवाइजर पे वर्क कर रहे हैं, या असिस्टेंट मैनेजर पे वर्क कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों के साथ जैसे कि एक निचोड़, मैं इस बात का जैसे कि सर ने मैंने एक निचोड़ मिल जाता है हमारे इस बात से कि स्टार्टिंग में हमें प्रॉपर एक क्लियरिटी लेके चलना है कि नहीं सर ये बिजनेस बहुत बड़ा है, यहाँ से हम बहुत कुछ चीजें अचीव कर सकते हैं, जैसे सर ने की तो मैं भी कर सकता हूँ। तो सेम, तो सर थैंक यू सो मच, सर थैंक यू सो मच। तो सर दूसरा सवाल मेरा, मैं बोलूंगा कि दूसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया फॉरएवर में आकर, वो थे हमारे जो हमारी जो बैकबोन है, हमारे जो प्रोडक्ट्स, इतने शानदार प्रोडक्ट्स का जब मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, रॉयल जेली, आर्टिक सी, एलोवेरा जेल, इतने शानदार हमारे प्रोडक्ट, अल्ट्रा लाइट प्रोटीन, आरजी प्लस, जब उनको यूज किया तो अमेजिंग, आई फील ब्लेस्ड कि यार ये हम ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ चुके हैं कि ऐसे अमृत जैसे जो प्रोडक्ट हैं हमने लाइफ टाइम मेरे यूज करने को मिल रहे हैं। अमेजिंग सर, वो चीज मेरे लिए बहुत एक लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट थी कि जैसे एक प्रोडक्ट को देखने को भी मैं तरसता था, वो प्रोडक्ट मैंने लाइफ टाइम के लिए यूज करने, अकेले मैंने नहीं करने, मेरी सारी फैमिली ने वो प्रोडक्ट यूज करने, और आज तकरीबन पिछले 8-8.5 साल से मेरी फैमिली सभी प्रोडक्ट्स को यूज कर रही है, तकरीबन 20-25 प्रोडक्ट हैं जो डेली रूटीन में यूज होते हैं फॉरएवर के। अमेजिंग सर, अमेजिंग। तो मैं आप सब लोग सर, अगर जितने भी पार्टिसिपेंट से लिख लेना, सर ने एक प्रॉपर प्रैक्टिकल चीजें बताई कि पहली प्रैक्टिकल चीज बताई कि मैंने सीनियर को देखे, सीनियर इतना अर्न कर रहे, दूसरी प्रॉपर प्रैक्टिकल की प्रोडक्ट्स आर द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस। तो सर ने ये चीज़ें तो लिख लीजिए सर, लिख लीजिए आप सारे पॉइंट्स, नोट डाउन कर दीजिए। सर दूसरा सवाल आपसे ये है कि सर स्टार्टिंग में हमें पता है सर, हर किसी अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं, तो स्ट्रगल तो सर फेस करना पड़ता ही हमें, स्ट्रगल। तो सर स्टार्टिंग में आपने क्या चीजें, क्या प्रॉब्लम्स फेस की जो शायद आपको इस सिस्टम से थोड़ा रोक रही थी ये सिस्टम स्टार्ट करने में, या स्टार्टिंग में आपने क्या प्रॉब्लम सर फेस की स्टार्ट करने में? बासित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सो मुझे भी कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं आई, जो सभी को बेसिक्स प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑलमोस्ट 90% को आती हैं है ना, क्योंकि सभी ने बोला, हम क्या करते हैं जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और हम अपने नॉन सर्कल से, अपने नियर एंड डियर से स्टार्ट करते हैं, और करना भी ऐसे ही चाहिए है ना, वो बिल्कुल राइट स्टेप है। वो उन्होंने मुझे बोला कि यार नहीं, ऐसे काम नहीं चलते, बहुत सारी कंपनीज हैं, क्योंकि आज से 8-10 साल पहले कुछ कंपनीज ने, कुछ गलत कंपनीज आती थी बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में आती थी, लोगों का पैसा लूट कर भाग जाती थी, मगर ऐसी चीजें आम सुनने को मिलती थी है ना। उन्होंने बोला कि ऐसा काम नहीं चलते, ये है वो है, मतलब बड़ा नेगेटिव करने की कोशिश की, लेकिन
मेरा क्या था, मेरी क्लैरिटी, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन है क्लैरिटी, वो क्लैरिटी क्लियर हो चुकी थी। वो क्यों क्लियर हो चुकी थी, मैं इस बिजनेस की मैं बहुत ज्यादा नॉलेज ले चुका था, है ना, बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड कर चुका था, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जान चुका था, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जान चुका था, मार्केटिंग प्लान के बारे में जान चुका था, और बहुत सारे जो सक्सेसफुल लीडर्स के साथ मैं मिल चुका था जो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर वर्क कर रहे थे। सो मेरी वाय क्लियर हो चुकी थी, मेरी क्लैरिटी, विजन मेरा क्लियर हो चुका था, इसलिए जो दिक्कतें आती थी मैं उसको ओवरकम करता गया। सो जो मुझे कोई नेगेटिव करने की कोशिश बोलता था, इवन की बाकी तो आपने यकीन नहीं करना, लोग बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे एलोवेरा के नाम से छेड़ते रहे, आ भी एलोवेरा, आ भी एलोवेरा। सो एक लीडर, हमारे लीडर लीडर हैं बड़े अच्छे, उन्होंने एक बात बोली कि अगर जब आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले आपको किसी प्रोडक्ट के नाम के छेड़ना स्टार्ट कर देना, एलोवेरा के या कुछ भी, है ना, इट मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक। सो वही चीज मोटिवेशन थी मन में कि यार नहीं, ये बोल रहे हैं ना, इनको अभी करके दिखाना है, इनको करके दिखाना है, और वाकई में ऐसा ही हुआ। फॉर एवर करी अ सक्सेसली, और बाद में करके दिखाया ही नहीं, बस उनको बिजनेस में ज्वाइन भी करवाया। सर क्या वो आज पर्सन सर आपको फेस कर पा रहे, सर आपका इतना अच्छा लाइफस्टाइल, इतनी लग्जरी गाड़ियां, इतनी कंट्रीज में रोज घूमना, मैं खुद स्टोरी देख रहा हूँ सर, आज उनका परसेप्शन क्या है सर आपके रिलेटेड? हमारे पास इतना शानदार सिस्टम है। देखो व्हाट इज फॉरएवर, फॉरएवर क्या है, किस चीज के लिए फॉरएवर बेसिकली क्या है? देखो हम सभी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, मे बी आपका ड्रीम होता हो सकता है कि आप चैरिटी करना चाहते हो, आपका ड्रीम हो सकता है कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, आपका ड्रीम हो सकता है कि मेरे पास ये घर हो, आपको ड्रीम हो, ड्रीम के बाद क्या होना चाहिए, आपका प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म मुझे मिल चुका था, आप लोगों को मिल चुका है, है ना, उसके बाद क्या, ट्रेनिंग सिस्टम, स्पोर्ट सिस्टम, वो हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेनिंग स्पोर्ट सिस्टम है, ठीक है, उसकी वजह से उस चीज की क्लैरिटी थी कि यार मैं तो बनूंगा, मतलब क्या है कि अगर आपको भी ऐसा बोलता, उसके साथ बहस नहीं, मैंने आज तक कभी भी बहस में नहीं पड़ा, हम लोगों ने तकरारबाजी में कि नहीं जी ऐसा ऐसा, उसको प्रूव करने लग जाते हैं, नहीं, एक मेरी एक बात है, मुझे वर्क लाइक एंड सक्सेस लेट योर सक्सेस मेक रन वाइज, कि आप काम करना है, मेहनत करनी है, आप साइलेंटली मेहनत करें, आपकी जो सक्सेस है वो शोर मचा दे, है ना, और उनकी मजबूरी बता दी, वो भी बिजनेस में आए, फॉर एवर लोगों की नीड नहीं है, लोगों की मजबूरी बन जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है, और हम लकी हैं कि हम इतने शानदार सिस्टम के साथ बिजनेस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एग्जैक्ट सर, थैंक यू सो मच। तो गाइज अगर आप सब लोगों ने, जितने भी पार्टनर हमारे साथ कनेक्टेड है, इस चीज से मैंने सर से एक टिप ली, इस चीज से मैंने एक चीज सीखी कि स्टार्टिंग में हर किसी चीज को स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस चीज से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अपने ड्रीम्स को अपने अंदर दबा के रखते हैं, सेम मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने बोला, मेरे सबसे पहली नेगेटिव मेरे घर से स्टार्ट हुई, लोगों ने बोला ये चीजें वर्क नहीं करती है, किन चक्करों में कर रहा है, बीटेक कर रहा है, मार्केटिंग करने लगा, नहीं सर इस प्रॉपर क्लियरिटी लेके चला, प्रॉपर अच्छे से मेहनत की, तो सर ने यहाँ पे आप लोगों के साथ एक चीज क्लियर की, मैंने प्रॉपर सिस्टम की क्लियरिटी ली, नॉलेज सीखी एंड ट्रेनिंग्स दी, तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेंगे, प्रॉपर नॉलेज लेंगे और प्रॉपर मेहनत करेंगे, ठीक है, तो ये चीज आपने, ये चीज सर ने अभी आपको बता दी कि अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेंगे, प्रॉपर नॉलेज लेंगे और प्रॉपर एक पॉजिटिव एनवायरमेंट में, जैसे कि सर ने बताया जिन लीडर्स ने आपको इस बिजनेस में इन्वाइट किया, अगर आप उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, वर्क करेंगे तो आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। तो सर स्टार्टिंग में आप स्ट्रगल हर किसी को फेस करना पड़ा सर, लेकिन स्टार्टिंग में जो हमारा फॉरएवर लिविंग में जब भी एक पर्सन आ जाते तो उसको बेसिक स्टार्टअप यहाँ पे 2CC 15 टू 18 प्रोडक्ट्स या टर्नओवर हम मान के चले बोलते हैं, इसको टर्नओवर 34,000 रुपीस का टर्नओवर किया है, जैसे मैंने भी किया सर, आपने भी किया, तो तभी जाके आज इतना अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल आप एंजॉय कर रहे हैं। तो सर स्टार्टिंग में 2-3 टिप्स के आपने कैसे अपने टाइम पे सर वो 2CC क्लियर किया, आपने अपने टाइम पे 2CC कैसे किया, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई कुछ 2CC करने में सर? बस तो इस चीज के बारे में बताऊं, आज ही मैं अभी ना ऑफिस से आ रहा हूं मोहाली RTO से, तो एक ज्वाइनिंग हुई है मेरे डायरेक्टर में, मैंने एक ज्वाइनिंग डाली है तो उसका AS करवा रहा था, सो वो भी ऐसी पर कि आपने कैसे किया ना, सो पता है कि आज की डेट में, आज का जो लाइफस्टाइल देखकर सभी को, ये आज की डेट में मेरे लिए बिगेस्ट चैलेंज है
दिग्गज चले हैं लोग सामने की यार पता नहीं मनप्रीत सिंह औजला ये तो शुरू से ही ऐसे थे ना ऐसे थे। सो मैं आपको बताना चाहूँ जब मैंने एएस लेवल किया ना तब मैंने 1-1 हजार 2-2 हजार इकट्ठे करके है ना उधारे लेकर जो मैं अपनी बता रहा हूँ कुछ प्रोडक्ट 1-2 प्रोडक्ट यूज करके अपने सर्कल में शेयर करके है ना ऐसे कर करके रिटेल कर करके मैंने एएस लेवल क्वालिफाई किया क्योंकि क्लैरिटी थी कि ये चीज करनी है तो करनी है लाइफ में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। लेकिन आज की डेट में मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ती है यार मैंने भी यहीं से जीरो से स्टार्ट किया है क्योंकि लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार पता नहीं मनप्रीत सिंह औजला आए थे उन्होंने सीधे ही फॉर्म फिल किया वो सीधे ही मैनेजर लेवल से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा उनको 80 लाख रुपया तो पहले ही आता होगा आज यहाँ तक पहुंच गए। सर ऐसी बात नहीं है स्ट्रगल फेस किया है सर ने बहुत ज्यादा तो तभी जाके अब आज इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल एवरेज इनकम की बात करें 5.5 लाख 6 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे इतनी कंट्रीज घूम चुके हैं। तो स्टार्टिंग में सर ने बताया एक टिप यहाँ से फिर से हम निकाल लेते हैं जैसे कि सर ने बताया कि मैंने 1000-1000 2-2 हजार करके उधार लेके क्योंकि जब ऑलरेडी आपको किसी सिस्टम की क्लियरिटी एक रीजन जब आपको एक रीजन मिल जाता है लाइफ में कुछ करने का तो आप अपने रास्ते खुद बनाते हो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो। सर का कहने का मतलब है कि मैंने 1-1 2-2 हजार क्योंकि सर को क्लियरिटी हुई थी ऑलरेडी ये बिजनेस कितना बड़ा है। अगर आप सब लोगों से मैं पूछूं फॉर एग्जांपल आप सब लोगों के सामने एक वॉल है इस वॉल को तोड़ना है सर आप बोलेंगे मैं क्यों तोड़ू कोई पागल है मैं तोड़ूंगा लेकिन इस वॉल के पीछे 2-3 करोड़ रुपए हम कैसे तोड़ेंगे सर अगर हमारे पास हथियार भी नहीं होंगे हम तब भी अपने हाथों से तोड़ेंगे क्योंकि क्लियरिटी है एक रीजन मिल गया पीछे 2 करोड़। सिर्फ पर्पस क्लियर होना चाहिए जब पर्पस क्लियर है ना कि हमने क्यों तोड़नी है दोबारा पर्पस क्लियर है कि 2 सीसी का बिजनेस क्यों करना है एग्जैक्ट अगर तो हम उसको ले लें यार नहीं कर सकते ऐसा जब पर्पस क्लियर हो गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। एग्जैक्ट सर एग्जैक्ट अगर आपके ड्रीम्स हैं सपने हैं और आपका पर्पस क्लियर है क्लियर कट पर्पस आपके गोल सेट हैं तो वो कोई चीज नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। अगर आपके पास पैसा नहीं है जी अंडरस्टैंड करने की बात है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं फॉरएवर करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है तो भाई साहब अगर पैसा नहीं है तभी तो फॉरएवर करनी है। यस सर तो पहले ही तेरे पास करोड़ों रुपयों के फॉरएवर की क्या जरूरत है। उसके बाद हमारे मेजर स्टेप पे आते हैं रिक्रूटमेंट नेटवर्किंग कर सर लिटरली ये सवाल मुझे दिल में कब से वो ना अंदर से एक्साइटेड हूँ पूछने के लिए सर आपका इतना रिक्रूटमेंट का रेशियो इतना जबरदस्त कैसे है सर जो भी आपके साथ ज्वाइन हो जाता है सर मैनेजर बन जाता है सीबी लेवल क्वालिफाई कर देता है। रिसेंटली एक सर ने आपके साथ ज्वाइन किया था उन्होंने सीबी लेवल क्वालिफाई किया सर इसका राज क्या है सर टिप्स कुछ कि जो भी आपके साथ ज्वाइन हो रहा है मैनेजर बन रहे सर राज क्या है सर टिप्स थोड़े से टिप्स दे दीजिए सर। बासित अगेन दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज एंड बिगेस्ट मिथ कि जो आएगा सभी मैनेजर बन जाते हैं नहीं यहाँ पर भी रेशियो काम करती है। और दूसरी बात क्या है कि मेरा पर्सनल ही कहना मैं किसी पर्सन के पास ये नहीं कि यार मैंने एएस करवाना है 2 सीसी करवाने हैं मैंने कहा जो पर्सन मेरे जुड़ा मैं उसके साथ मेरा रिलेशन बिल्ड होता है ना वो रिलेशन मैं उस चीज के मैं अपने दिल से इस चीज के लिए रिलेशन बिल्ड करूँगा मैं लाइफ टाइम इस पर्सन के साथ रहना है एक लॉयल्टी के साथ मेरा रिलेशन बिल्ड होता है मैं सभी दुख सुख में उस पर्सन के साथ करता हूँ हमेशा मेरा बहुत अच्छे रिलेशन है जितने भी मेरे डायरेक्ट पर्सन है या टीम जितनी भी मेरी टीम है ना इंक्लूडिंग आप मेरे बहुत अच्छे सभी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं क्योंकि फॉरएवर क्या है पास फॉरएवर इज अ रिलेशन बिल्डिंग बिजनेस है ना ये एक 2 सीसी तक का नहीं है 4 सीसी नहीं है 25 सीसी नहीं है ना 75 है ना मैनेजर है ये एक रिलेशन बिल्डिंग बिजनेस जहां पर मैं एक बात बोलूंगा हम आते तो यहां पर पैसा कमाने के लिए है फॉरएवर में जब कोई भी स्टार्ट करता है अपने ड्रीम पूरे करने के लिए सपने पूरे करने के लिए पैसा कमाने के लिए लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहूँ कि फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर पैसा तो बहुत छोटी चीज रह जाती है आपको यहाँ पर रिलेशन मिलते हैं रिलेशन बिल्डिंग पर्सन होने चाहिए आपके माइंड में कुछ सामने वाले के लिए एक अच्छा सोचने वाले होने चाहिए आप सामने वाले की तरक्की के लिए काम करें सामने वाले के ड्रीम्स के लिए काम करें अपनी टीम के ड्रीम्स के लिए काम करें ऑटोमेटिकली आपके जो रिलेशन है उनके साथ अच्छे रिलेशन बन जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका काम अच्छा होगा वो अच्छे तरीके से अच्छी वाइब्स आएंगी है ना पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग टॉप करेंगे।
ठीक है, मतलब आपको अपनी टीम की सक्सेस के ऊपर खुशी ऑब्वियसली होनी चाहिए, जब टीम में कोई ग्रोथ होती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है, सो ऐसी ही होनी चाहिए एक्चुअली, ये इसी फीलिंग के साथ आप काम करोगे। देखो फॉर एवर दिमाग वालों का काम नहीं है, फॉर एवर बस दिल वालों का काम है, काम है फॉर एवर दिल वाले लोग चाहिए, जिगरे वाले लोग चाहिए, फॉर एवर उन्हीं लोगों के लिए है। एग्जैक्ट सर, एग्जैक्ट, तो यहाँ पर दिमाग लगाते हैं वो चीज वो फेल है। दिल से सर, दिल से काम करना है, वही राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सर एक और टिप, आप गाइस अगर आप विद कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं सर कि अमेजिंग क्लियरिटी आपको यहाँ पे सर दे रहे हैं। गाइस सर ने बताया कि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने कोर्सेज पढ़े, सब में एक चीज निकली कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेशनशिप निकाल दो तो ये एक सेल्स का बिजनेस बन जाएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को जोड़ता कौन है, रिलेशनशिप। तो गाइस जो भी आपके साथ पर्सन है, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, हमें उनके साथ बस एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उनको मेहनत अच्छे से सिखाना है, डुप्लीकेट करना है, जैसे कि सर ने बताया। सर एक और क्वेश्चन था हमारे साथ, सर आजकल सर ऑनलाइन का दौर है, ऑनलाइन बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल रही है, सर आपके हिसाब से क्या लगता है, ऑनलाइन बेटर ऑप्शन है या ऑफलाइन बेटर ऑप्शन है? आपने भी देखा होगा सर कि बहुत सारे ऑनलाइन आज बूम आ चुके हैं, अब सारे पर्सन सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, ज्यादा क्राउड सोशल मीडिया पे मिल रहा है, ऑनलाइन बहुत ज्यादा बिजनेस ग्रो कर रहा है, या बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हुए, सर आपको क्या रिलेटेड है फॉर एवर, क्या ऑनलाइन बेटर ऑप्शन है या ऑफलाइन, या ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर देखो बासित, अगर मैं इस चीज की बात करूंगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, है ना, यस सर, देखो मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा, मेरा थोड़ा जो यहाँ पर जो आंसर रहेगा, जो मेरा जवाब है वो थोड़ा डिफरेंट जाएगा, है ना, क्योंकि मैं ये मानू कि टाइम टाइम के अकॉर्डिंग फॉर एवर करने के जो तरीके हैं, किसी भी बिजनेस करने के तरीके हैं, वेज हैं, रास्ते हैं, वो बदलते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हमने स्टार्टिंग की थी, जब फॉर एवर टोटली हम लोग 100% ऑफलाइन था, क्योंकि उस टाइम पर हम लोगों ने जूम का या यूट्यूब सेशन का कभी सोचा तक नहीं था, कभी माइंड में नहीं आया था, ऐसी वन टू वन मिलकर प्रेजेंटेशन करके, ऐसी मीटिंग्स करते, सेमिनार करते, जम्मू में कितने सेमिनार किए हैं, कश्मीर में, पंजाब में, हर सिटी में, है ना, हरियाणा में, हिमाचल में, हर जगह हमने ऑफलाइन सेमिनार्स किए हैं। लेकिन ऑनलाइन का दौर कब आया, ऑनलाइन का दौर आया 2020 में, जब लॉकडाउन लगा, कोविड आया, उस टाइम के ऊपर कह रहे सभी लोगों की मजबूरी बन गई, है ना। लेकिन आज का जो पीरियड है ये बड़ा गोल्डन पीरियड हम लोगों के लिए ग्रो होने के लिए, क्योंकि हम अगर ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन इस बिजनेस को एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ करें, एक बैलेंस के साथ करें, और हम यहाँ पर अल्ट्रा ग्रो कर सकते हैं, है ना। मतलब ऑफलाइन में जहां तक पहुंचने के लिए हमें 7-8 साल का टाइम लगा, जहाँ ऑनलाइन में कई बार रिटेंशन नहीं हो पाती, अगर हम उस चीज को मिक्सअप करते हैं ना, कि ऑनलाइन जैसे किसी के रिक्रूट किया किसी ने कोई पर्सन को, है ना, उसको अगर ऑफलाइन भी रिलेशन बिल्डिंग स्टार्ट हो जाए, मिलना स्टार्ट कर दें, तो बहुत बेटर रिजल्ट्स आ सकते, नहीं बल्कि आ रहे हैं, जो इस चीज को बैलेंस के साथ कर रहा है ना, कि ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में जो पर्सन 100% ऑनलाइन वो कर रहा है, सो मेरा पर्सनली ये मानना है कि वो पर्सन कंफर्ट जोन में है, वो घर से निकलना नहीं चाहता। सोचो एक जगह एक पर्सन है कि जो लाखों रुपया पे करके आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, यूएसए जाते हैं, कैनेडा जाते हैं, 20-25-25-30-30 लाख रुपये लगाकर न्यूजीलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और वहां पर कितने कमाने लाख रुपये कमाते हैं, है ना, और वहां पर 18-18 घंटे काम करते हैं। और यही चीज हम अगर अपने घर से 100-200-300 किलोमीटर अगर हमें ट्रैवल भी करना पड़े, तो ये चीज सोचो कि आपको यहाँ से मिलना क्या है, मतलब जहां भी आपकी टीम बिल्ट होती है, तो मेरे ख्याल से हमें जरूर वहां पर ऑफलाइन विजिट जरूर करना चाहिए, क्योंकि फॉर एवर एक ऐसी चीज है जहां पर हम टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, जहां टाइम पास करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पर अपने करियर बनाने के लिए है। सो दोस्तों करियर बनाने के लिए तो एक जो पर्सन है 20-25-30 हजार की जॉब करता है, वो भी ऐसी लाइफ स्ट्रगल करता है ना, वो सारी जिंदगी करता है, 40 साल करता है, हमने 5-7 साल इस बिजनेस को देने हैं, और बड़े अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से ना ऑनलाइन बेटर बोलूंगा ना ऑफलाइन बेटर बोलूंगा, एक बैलेंस होना जरूरी है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन डेवलप करिए, ना कि ऑनलाइन खाली, ना कि ऑफलाइन, बोथ बैलेंस में लेके चलना है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन।
सर एक और सवाल था कि सर जैसे कि ऑनलाइन के रिलेटेड है सर, कि ऑनलाइन में काफी बूम देखा गया सर, बहुत ज्यादा बूम देखा गया सर, कुछ टिप्स जो कि नए असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए या कि जो कि नए पर्सन के लिए कि अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड करे, कुछ टिप्स कि स्टार्टिंग में उनके ऑनलाइन क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो कैसे डेवलप करे अपने बिजनेस को ऑनलाइन स्टार्टिंग में सर, एक नए असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए। बासित, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गुड क्वेश्चन है आपने किया है कि क्या टिप्स होने चाहिए। देखो, मैंने ना बहुत सारी इंटरनेशनल लीडर्स की मैंने ट्रेनिंग अटेंड की है, इंटरनेशनल लीडर्स का मैंने एक्सपीरियंस देखा है। वहां पर क्या होता है कि हम ग्लोबल रैली अटेंड करते हैं, बाली में हमने ग्लोबल रैली अटेंड की, लास्ट अबू धाबी में है ना, स्वीडन स्टॉकहोम में। सो मैंने एक चीज देखी कि जो ऑनलाइन जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन में हमें क्या, जैसे हम ऑफलाइन बिजनेस करते थे, ऑफलाइन में क्या था, हम डेली 2-3-4 लोगों को प्रेजेंटेशन कर पाते, राइट। सो ऑनलाइन में क्या, ऑनलाइन में फ्री बैठ के हमें जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करना है ना, रिक्रूटमेंट करना है, सामने वाला रिस्पॉन्स कर रहा है, वहां पर हमें सिर्फ इसे, हमें ये इजी लगता है, इजी के चक्कर में हम बल्क में रिक्रूटमेंट करते हैं, है ना। सो हमें ये चीज में थोड़ा फोकस करने की जरूरत है कि हमें बल्क रिक्रूटमेंट पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें लिमिटेड रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप मंथ में, अगर आप मैनेजर हो, हाँ अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप डायरेक्ट में 4-5-8-10 ज्वाइनिंग्स डायरेक्ट में ज्वाइन करवाएं, पर उनको जो ज्वाइनिंग्स आ गई, 5-7-8-10 ज्वाइनिंग्स आपकी आ गई, उन्हीं के ऊपर प्रोडक्टिव बनाए, उनको उन्हीं के ऊपर फोकस करें, रेदर देन कि आप बल्क में रिक्रूटमेंट कर रहे हो, उसमें क्या फॉर्म फिल करवाई जा रहे हो, पर्सन को आप अंडरस्टैंडिंग करवा रहे, फॉर एवर क्लियर नहीं हो रही, वो छोड़कर बिजनेस जा रहे हैं, है ना। उनसे उनके क्या, उनके थ्रू क्या मार्केट में इस चीज के बारे में आने वाले में नेगेटिविटी फैल सकती है। सो रेदर देन कि वो अच्छी मार्केट हम रखें, उनका लिमिटेड रिक्रूटमेंट करें और उनको अच्छे तरीके से क्लैरिटी करवाएं बिजनेस के बारे में, फॉर एवर के बारे में, वाई फॉर एवर, हाउ फॉर एवर, हमारी प्रिंसिपल ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज है, उनको अच्छे तरीके से क्लियर करवाएं कि फॉर एवर है क्या एक्चुअल में। पर बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट करने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन में, लिमिटेड रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। सो इस तरीके से क्या, इस तरीके से आप तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, बल्कि जो आपकी जो टीम बनेगी, जिनको आपने 2-4 पर्सन को हर मंथ रिक्रूट किया है, ये करवाया, उनको आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करवा पाओगे, उनको अच्छे तरीके से बिल्ड कर पाओगे, और आने वाले टाइम में जो उनकी भी जो टीम्स है वो बहुत टीम वो ग्रो करेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को हमने टच नहीं किया, जो बाकी लोग वो आपकी ही डाउन में आने वाले टाइम में आधी चलेंगे, आपकी ही जो डाउन लाइन है वो डेप्थ है वो आपकी ही स्ट्रांग होगी। सो इसमें हम सभी का फायदा है, आपका फायदा है, आपकी टीम का फायदा है, अगर आपकी टीम का फायदा होगा आपका, तभी आपका फायदा होगा, तभी आप यहाँ पे ग्रो करेंगे। सो हमें टीम के लिए भी सोचना चाहिए, ऐसे तो मेरे पास जैसे अचीवमेंट, मैं ओपनली बोलूँ कि मैं इतने कर अर्न कर रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ अर्न करना चाहते हो, मैं तो डायरेक्टर सोशल मीडिया के ऊपर बोल दूं ना, सो मेरे पास कितने हजारों लाखों लीड्स आ जाएंगी, है ना। सो उस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप, मैं अपनी खुद की एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास हजारों लीड्स आ गई, फॉर एग्जांपल मैंने 1,000 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन करवा लिया, सो आपको लगता है कि मैं 1,000 लोगों को एक टाइम के ऊपर हैंडल कर पाऊंगा? नो सर, 1,000 की बजाय मैं एक एक करके करूँ तो शायद मैं 1,000 को भी कर दूंगा आने वाले 5 साल में 7 साल में 10 साल में, है ना। सो जितना को हम हैंडल कर सकते हैं उतने लोगों को हम लोग रिक्रूट करें, उनको अच्छे तरीके से फॉरएवर क्लियर करें। एग्जैक्ट सर, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि सर ने बताया स्टार्टिंग में हम ऑनलाइन करके सर का मेन फोकस, जो अभी इस गाइस मैंने आपको पहले ही बताया, हम सर की बातों से बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं, बहुत कुछ चीजें निकाल सके। जैसे मैंने कि पर्सनली सर ने का कहने का मतलब कि हम कुछ लिमिटेड बंदों को रिक्रूट कर सकते हैं और प्रॉपर डुप्लीकेशन कर सकते हैं, प्रॉपर डुप्लीकेशन, ताकि वो और ज्यादा आगे डुप्लीकेट करे, आपका नेटवर्क फैलता जाए, ना कि आप बहुत सारे बंदों को बल्क में, आप फिर बंदों को प्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो एग्जैक्ट सर हमें कुछ ही बंदों को, लिमिटेड बंदों को ऑनलाइन इनवाइट करना चाहिए, प्रॉपर मीटिंग, प्रॉपर ज्वाइन करवाना चाहिए, उसके बाद उनके रिलेटेड एक प्रॉपर डुप्लीकेशन करनी चाहिए, ताकि उनकी भी टीम्स पे फोकस हो, आपका नेटवर्क बढ़े। क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव इनकम के लिए नहीं आए, हम पैसिव इनकम के लिए आए हैं, ताकि जब हमारी टीम ग्रो करेगी हमारे पास पैसिव इनकम आ जाएगा। सर एक और सवाल है, सर आजकल का सर जो लीड जनरेशन लीड का वर्ड बहुत ज्यादा घूम रहा है सर, कुछ टिप्स, कुछ बेसिक टिप्स जो कि बेसिक एएस के लिए
एएस के लिए स्टार्टिंग में रहना चाहिए कि उनका लीड जनरेशन के लिए बेसिक तरीके क्या होने चाहिए स्टार्टिंग में, जहां से वो स्टार्टिंग में ऑनलाइन के लिए बेसिक लीड जनरेट कर सके? बासित, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था, सो मैं उसी के साथ थोड़ा रिलेट करूंगा कि लीड जनरेशन, लीड वर्ड कब आया हमारे बिजनेस में? लीड वर्ड हमारे बिजनेस में आया से 2 साल पहले, 2-3 साल पहले 2020 में, है ना? एग्जैक्ट सर। तो उसी के लिए सेम वही चीज है कि हमें लीड्स, बहुत ज्यादा लीड्स के ऊपर फोकस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, है ना? जैसे हम 1000 लीड्स हो जाती हैं, 100 लीड्स हो जाती हैं, सिर्फ लिमिटेड एक फॉर एवर में ना, एक जो पर्सन है आपके डायरेक्ट में, आप एक पर्सन को अच्छे तरीके से बिल्ड कर दोगे, है ना, तो आप खुद नहीं, आपका जो एक पर्सन आपने बिल्ड कर दिया, उसकी डेप्थ क्रिएट कर दी, उसकी सपोर्ट कर दी ना, उसके सपनों के लिए काम करो, एक पर्सन आपका 1.5-2.5 लाख रुपए की पेंशन बन सकता है आपका, जो एक पर्सन है, एक ऐसा सिस्टम है, एक पर्सन की यहाँ पर कीमत समझे हम उसको ऐसे ही, जहाँ कभी भी ये मत सोचे कि हमने उसका एएस करवाना है या 5000 की बिलिंग करनी है या उसको सुपरवाइजर, लॉन्ग टर्म के लिए जो विजन है ना, वो वेरी लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। हमारा विजन कभी भी एएस लेवल नहीं होना चाहिए, 1+3 तक नहीं होना चाहिए या सुपरवाइजर नहीं होना चाहिए। डे वन से जो आपका जो एएस है, जितने भी जो न्यू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वो नए पर्सन को कि उनका विजन कैसे क्लियर करवाना, उनका जो विजन है, उनका विजन EMR है ना, MR। देखो मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या जब आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हो हमारी, मेरी इंटरनेशनल वीडियोस देखते हो, किसी की लीडर, किसी भी लीडर की इंटरनेशनल वीडियोस देखते हो कि वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्या आपका भी दिल करता है ना कि आप भी ऐसी लाइफ जीना चाहते हो, आपको भी चाहते हो ऐसी लाइफ, राइट? डेफिनेटली सर। तो वो कैसे होगी अगर हम उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, अगर हम एएस के और सुपरवाइजर के ऊपर फोकस करेंगे, सुपरवाइजर के एएम, तो वो रास्ता बड़ा लंबा चले जाएगा। आपका डे वन से क्या फोकस होना चाहिए कि EMR की क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होते हैं, मेरी जो पर्सनल टीम पे, उसके एएस को भी ये पता होता है कि EMR की क्या क्वालिफिकेशंस है, एमआर की क्या क्वालिफिकेशंस है, चेयरमैन पुनसम कैसे कर सकते हैं, कार्पन लेवल 1 कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, लेवल 2 कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, CB कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ग्लोबल रैली कैसे क्वालिफाई करके इंटरनेशनल टूर अटेंड कर सकते हैं। मतलब हमें विजन, बड़ा विजन होना चाहिए, क्योंकि बासित एक चीज है, जहाँ फॉर एवर में नहीं आए थे, मैं अपनी बात बोलूं कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं 1 लाख रुपया यहाँ पर अर्न करूंगा, लेकिन जब सिस्टम देखा तो देखा यार यहाँ पर 1 लाख नहीं, यहाँ पर तो लाखों कमा सकते हैं। तो मैंने बड़ा और विजन बड़ा किया, टीम के और बड़े विजन हुए, और ऐसे ही विजन हमने अपनी टीम के, न्यू टीम्स हैं, जो न्यू AS हैं, जहाँ आने वाले AS हैं, उनका जो विजन है डे वन से, हमें बड़ा विजन के ऊपर फोकस करना चाहिए, EMR के ऊपर, MR के ऊपर, तभी हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। जो सोचेंगे वो हम पाएंगे। द सीक्रेट मूवी, यहाँ पर मैं सभी को रिकमेंड करूंगा, द सीक्रेट मूवी जरूर देखें, जरूर वॉच करें, या वहां के लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो आप सोचोगे, जिस चीज के बारे में सोचोगे, वो चीज आपको जरूर मिलोगी। EMR के बारे में सोचोगे, वेनिस की वीडियो जरूर देखना, जो EMR 2024 जा रहा है, वेनिस जा रहा है, इटली जा रहा है, इतनी अमेजिंग वीडियो, इतना शानदार टूर क्रूज के ऊपर, दोस्तों क्रूज के ऊपर, 1 हफ्ते के लिए क्रूज के ऊपर रहना है, इतना शानदार, अल्टीमेट 5-star experience, 7-star experience, आप सब लोग वो चीज जा सकते हो, सब लोग वहां पर जा सकते हो, कभी भी ऐसी लाइफ को मिस मत करें, हम सभी के लिए, आप सभी डिजर्व करते हो उस लाइफ को, जस्ट सिस्टम को फॉलो करके आप वो चीज अचीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि सर ने बताया, डोंट फोकस ऑन बल्क, आजकल प्रॉपर मैंने चीज ऐसी किया सर, डोंट फोकस ऑन बल्क, तो स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है एक पर्सन, ताकि हमारे बहुत जितने भी इंसेंटिव है वो क्वालिफाई हो सके। सो लॉन्ग टर्म सर, इसके रिलेटेड मुझे एक और सवाल याद आ रहा है, जैसे कि आपने बताया सर लॉन्ग टर्म पर्सन को लेके जाना है, सर आपकी पहली 3 ज्वाइनिंग्स सर कौन सी थी स्टार्टिंग में? सर जब आपने ज्वाइन किया था, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हुए थे, आपकी स्टार्टिंग में पहली 3 ज्वाइनिंग्स कौन सी थी, और क्या सर आज उनमें से कोई मैनेजर है? तकरीबन मेरी पहली 5-6 ज्वाइनिंग में से एक मैनेजर है, जो बड़े अच्छे लीडर, आप सभी जानते हो, मिस्टर गुरिंदर सिंह। यस सर, एग्जैक्ट। ठीक है, वो मेरे पहले 5-6 ज्वाइनिंग्स में से एक है, वही है, बाकी तो कोई नहीं है सिस्टम में। एग्जैक्ट सर, जैसे कि सर ने बताया इनकी 5-6 ज्वाइनिंग्स है, तो उनमें से अभी एक है जिनका नाम है गुरिंदर सर,
जो कि अभी सर सोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जिनकी जिनकी मर्सिडीज आप उनका लाइफस्टाइल देख सकते हैं सर। रिसेंटली शायद सर उनका ब्लू टिक आ चुका है सर इंस्टाग्राम पे। एग्जैक्ट सर, तो सर उनके ये उनके रिलेटेड सर दो टिप्स सर, ग्रो दो टिप्स सर, सर उनको लॉन्ग टर्म विजन लेने में क्या क्या चीजें आपने यूज की सर, उनको आगे लेने में क्या क्या यूज किया आपने सर, क्या क्या चीजें यूज की, क्या क्या टिप्स आपने उनको सर, दो ओनली दो सर। देखो मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया ना, सो मेरे पास घर में एक होंडा का ट्विस्टर बाइक होता था, बासित। एग्जैक्ट सर। सो जब मैंने ज्वाइनिंग की ना, सो जैसे मैं ना डे वन पे मदीप सर को मिला था, मैंने 84 लाख का पे आउट देख रहा मदीप सर का। 84 लाख अप्रैल में ग्लोबल रैली होती है, सो अगस्त में मेरी ज्वाइनिंग थी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 3-4 महीने हुए थे सर को 84 लाख का पे आउट ले हुए। सो फर्स्ट उन्होंने जो मेरी प्रेजेंटेशन हुई, मुझे बताया गया कि जो हमारे मेंटोर हैं उनको ऐसे ऐसा पे आउट मिला, तो मैं हैरान हो गया कि 84 लाख का पे आउट। सो बस लकीली मैं डे वन फर्स्ट डे पे मैं मदीप सर से मिल लिया, मदीप सर बाई चांस ऑफिस आए हुए थे, सो मेरी थर्ड पार्टी हुई मदीप सर के साथ। सो मैं बड़ा खुश हुआ, सो ऐसे ही मैंने अपने ग्रुप में जैसे हम शेयर करते हैं, हम ना जैसे गुरिंदर रुपिंदर हम सभी एक कॉलेज स्कूल फ्रेंड है, है ना, स्कूल फ्रेंड है। सो उसके बाद हम मैं कॉलेज में, कॉलेज में अलग अलग हो गए, कॉलेज के बाद हम मैं ऑटो कैड का एक कोर्स होता है सिविल इंजीनियर के बाद आप कर सकते हो या मैकेनिकल के बाद, मैंने ऑटो कैड का कोर्स ज्वाइन किया था, उन्होंने आई थिंक कोई कंप्यूटर का कोई कोर्स किया था, हम लोग एक इंस्टीट्यूट पे जाते थे। सो वहां पर जब हम इकट्ठे जाते, मैंने शेयर किया कि गुरिंदर, मैंने सभी को बताया, 4-5 दोस्त थे, सभी को बताया, सभी ना अपना फोन लेके ऐसे ऐसे लाके, मतलब मुझे टोटली इग्नोर, सभी ने इग्नोर किया मुझे अपने आप को, यार मैं कैसे बोलूं, ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं ना, मुझे सुने नहीं रहे। सो गुरिंदर ने क्या, गुरिंदर ने हल्की मेरी बात सुननी स्टार्ट कर दी ना, वो मेरी बाद में इंटरेस्ट देने लगा, अकेला गुरिंदर, बाकी 4 और थे, वो चारों ने मुझे टोटली इग्नोर किया लिटरली। उन्होंने पता क्या बोला, अच्छा, उस टाइम को कुछ नहीं बोला। सो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे गुरिंदर को मैं अपने साथ ऑफिस ले गया, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, गुरिंदर आप कर रहे हो, मैं ऑटो कैड कर रहा हूँ, आप कंप्यूटर का बीएससी या बीसीए का कोई कोर्स कर रहे थे, किसके बार क्या होगा यार, कितनी सैलरी है, मार्केट में क्या हालात है, 15,000, 20,000, 30,000 क्या है, क्या होगा, क्या हमारे कितने कितने बड़े सपने हैं। वो सिरे तक हमारा 40-45 मिनट का हमारा रास्ता था बाइक के ऊपर, मैं 45 मिनट उसको यही बातें, प्रैक्टिकल बातें चलती, और ऑफिस में जाके जब प्रेजेंटेशन हुई, उसने भी ज्वाइनिंग की, और सेम डे उसने अपने फ्रेंड सर्कल में आके, नेक्स्ट डे हम इकट्ठे मिले, उन्होंने बोला कि मैंने तो ज्वाइनिंग कर ली, सभी ने लिटरली मेरे मुंह के ऊपर ही सभी ने बोला, अच्छा तू भी फंस गया। सर लिटरली जब मैं आगे बोल रहा हूँ, तो उसके बाद क्या, पहले तो मैं अकेला था, फिर हम दो हो गए, गुरिंदर भी मेरे साथ आ गया, फिर हम उनको समझाने लगे, तो नहीं वो नहीं आए, फिर काफी टाइम पर वो बिजनेस में आए, हमें देखकर हम जा, फिर वो जाते, हम ना इंस्टीट्यूट हमने छोड़ दिया, हम सीधा ऑफिस में ट्रेनिंग लगाने जाते थे फॉरएवर की, हम वहां जाते थे। सो फिर करते करते कुछ टाइम पर उन्होंने देखा, यार ये तो डेली जा रहे हैं, वहां 15-20 दिन में एक मतलब वो भी हमारे साथ आए, लेकिन वो उनका विजन क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन वो फॉरएवर को फिर भी छोड़ ही गए। लेकिन गुरिंदर ने फर्स्ट डे मुझे सुना बड़े अच्छे तरीके से, वो आज भी साथ है, बड़े अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आपको देख ही रहे हो सभी, हम जानते हो। एग्जैक्ट, तो मीन सर आपके दोस्त गुरिंदर सर स्टार्टिंग से ही आज तक आपके साथ है सर, स्टार्टिंग से ही फ्रेंड सर्कल में आपके साथ है। रिसेंटली सर जब मैंने भी स्टार्ट किया था 2019 में, तो मुझे भी, मैं कॉलेज बस में जाता था, तो स्टार्टिंग वहां पे सबने सुना कि मैंने फॉरएवर की, तो मुझे एक बंदे ने बोला, हाँ हाँ किसी ने वहां पे, किसी सरदार ने वहां पे जीप लाई है, तू भी जीप कंपस लाएगा, तो ऐसे उसने रिएक्ट दिया था मैम के सामने कि तू भी जीप कंपस लाएगा। मैंने बोला हाँ, तो सर लिटरली आज वो शॉक हो जाते जब मैं कॉलेज में अपनी जीप में गाड़ी में जाता हूँ, वही सेम गाड़ी जीप कंपस 00064 नंबर जब कॉलेज में जाते, तो लिटरली लोग बोलते सर करना क्या है, अब करना क्या है। तो मीन्स सर मैंने यहाँ से आपसे एक और चीज सीखी, शायद बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने भी ये चीज नोट डाउन की गई कि स्टार्टिंग में हमें नोन सर्कल टच करना चाहिए, ताकि नोन सर्कल में हमारा ऑलरेडी सर एक ट्रस्ट बन चुका होता है बस, तो वो क्लियरिटी एंड वो ट्रस्ट जो हम अननोन पर्सन के साथ जिसपे हम टाइम लगा रहे हैं,
तो शायद हमारे नॉन सर्कल में कोई ना कोई दोस्त है, तीन या चार सर कुछ पर्सन, तो आज दोस्त बहुत सारे दोस्त सर आज आपके साथ भी फिर बाद में ज्वाइन हो चुके होंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है कि हमें नॉन सेक्टर को भी टच करना है ना कि अननोन को, ताकि जो हमारा ट्रस्ट का फैक्टर वो पहले ही खत्म हो, क्योंकि ट्रस्ट का फैक्टर पहले ही हमारे नॉन सेक्टर के साथ ऐसे हो जाता है, बस फिर क्लियरिटी करनी होती है, वो हम सीनियर के साथ करा सकते हैं। जैसे कि सर ने हमें बताया कि मैंने गुरिंदर सर को ऑफिस में लेके गया, 45 मिनट्स रास्ते पे बोल रहा कि क्या करना है लाइफ में, क्या जाना है, हमें ऑटो कैड करना है, तो ये चीज सर ने उनको क्लियरिटी दी। सर लिटरली अमेजिंग सर, अमेजिंग सर। सर एक चीज और बताऊंगा बासित, यहाँ पर एक चीज और शेयर करनी चाहूंगा कि नौ सर्कल से क्या बेनिफिट होता है कि एक बार नौ सर्कल स्ट्रगल तो हमने लाइफ में करते ही है, स्टार्टिंग में एएस से लेकर मैनेजर तक हर कोई स्ट्रगल करता है लाख रुपया कमाने के लिए, है ना। सो मैं एक चीज गारंटी के साथ आपको बोलूंगा कि जो आपका नौ सर्कल है ना एएस से मैनेजर तक की जो आपकी जर्नी है वो मे बी टफ हो सकती है ना, लेकिन मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एग्जैक्ट सर, क्योंकि आपने बहुत सारे नॉन सर्कल आपको वॉच कर रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इस चीज में हमने एक चीज देखनी, कभी भी किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना, है ना। हो सकता है उसको आने वाले टाइम में क्लैरिटी होगी, और 100% होती है, और वही पर्सन आपको आगे आपके सीनियर मैनेजर कार्पनर लेवल टू लेवल थ्री है ना ग्लोबल रैली, वही आपका नॉन सर्कल आपको वहां तक पहुंचने में आपकी हेल्प करता है, और वो भी आपके साथ बिजनेस में डेफिनेटली आते हैं। एग्जैक्ट सर, एग्जैक्ट सर। तो सर एक और सवाल, सर आप अभी तक कितने कंट्रीज घूम चुके हैं सर? अभी तक सर आपने फॉरएवर लिविंग क्रोड्स इंटरनेशनल से या उसके बगैर भी सर अभी तक आप कितने कंट्रीज घूम चुके हैं सर? सो बासित, मैं जितने भी आउट ऑफ कंट्री का, मैं सिर्फ फॉरएवर ग्लोबल रैलीज अटेंड करने के लिए गया हूं, और वहां पर होता है एंजॉयमेंट तो करना ही है ना। तो 2017 में मुझे फर्स्ट टाइम दुबई जाने का मौका मिला बासित, और नेक्स्ट 2018 में थाईलैंड पताया जाने का मौका मिला, आफ्टर दैट 2019 में मैं स्वीडन स्टॉकहोम, इतना अल्टीमेट यूरोप, कभी सोचा नहीं था कि यूरोप जाएंगे, लेकिन ये तो कभी नहीं सोचा था कि घूमने के लिए भी जाएंगे। सो फॉरएवर ने एक राजाओं जैसी जिंदगी दी जो कभी लाइफ में नहीं सोचा था, राजाओं जैसे जहाँ पर वहां पर घूमने का, एंजॉय करने का, लाइफ को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, है ना। और 2020 में हम लोग जाने वाले थे सर, जो सर सर एक एक सवाल सर, सर जो आप स्टॉक स्वीडन होम में जहाँ पे आप गए थे सर, सर वहाँ पे सर किस होटल में सर आप ठहरे थे सर, वहाँ पे कंपनी ने किस होटल में सर? स्टॉकहोम में बड़ा अच्छा हमारा बड़ा लग्जरियस 5-स्टार होटल था, शेरेटन होटल था, सिटी में था, स्वीडन में स्टॉकहोम में शेरेटन, इतना शानदार होटल। सो बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था वहाँ का, मतलब वेदर वहां का, जब हम गए वेदर बड़ा अच्छा, वेदर बड़ा प्यारा, जैसे इंडिया में बेसिकली जो हमारा कैसा वेदर होता है कि शाम को 7 बजे या 7:30 बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, लेकिन यूरोप में जब स्टॉकहोम हम गए थे ना, रात को 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता था, मतलब ऐसा वेदर था वहां पर। हम लोग 12-12 रात को 12-12 1-1 2-2 बजे तक मतलब चलते थे, इतना एंजॉय करते थे, सड़कों के ऊपर घूमते थे, मार्केट घूमते थे, ग्लोबल रैली अटेंड करने के बाद बहुत हम लोगों ने वहां पर फंड किया सर। उसके बाद 2019 में सर आप 19 में स्टॉकहोम का था, 2020 में हम लोग जाने वाले थे ऑस्ट्रेलिया सिडनी। सो बासित, ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने क्या करना था, ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। सिडनी में ओपेरा हाउस है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है ओपेरा हाउस, और वहां पर ग्लोबल रैली, जो वहीं पास में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, एलोवेरा जेल की जो बॉटल है हमारी, 10,000 लोगों ने वन टाइम पे कंज्यूम करने दी, 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। सो अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है कि अप्रैल में हम लोग वो जाने वाले थे, सो 25-26 मार्च को लॉकडाउन लग गया, और वो हमारा टूर कैंसिल ही हो गया, और 2021 का भी कैंसिल हो गया। 2021 में दिल्ली का रैली हुई थी, और लास्ट ईयर हम लोग अबूधाबी गए थे, अबूधाबी में हिल्टन होटल, इतना शानदार, यस आइलैंड पे हिल्टन होटल, इतना शानदार एक्सपीरियंस, इतना बड़ा होटल, वहां पर फरारी वर्ल्ड में इतना शानदार अमेजिंग एक्सपीरियंस, फरारी वर्ल्ड, बॉरेंस ब्रदर्स, मतलब इतना, मतलब एक नई जिंदगी, एक नई दुनिया देखने का मौका मिला, वाटर वर्ल्ड, इतनी सारी एक्टिविटीज, इतनी सारा अच्छा एक्सपीरियंस, इतनी सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने वहां पर की। सो फरारी वर्ल्ड बहुत ही अल्टीमेट में
मतलब बयान ही नहीं कर सकता वो चीज जो हमने वहां पर एंजॉय किया है, वहां पर देखा है। तो उसके बाद इस साल जो अबू धाबी के बाद अगेन दुबई जाने का मौका मिला, और इस साल जाकर आए हैं बाली इंडोनेशिया। सो बस ऐसा टाइम है कि कभी ये सोचना पड़ेगा कि 2019 में कहाँ थे, 20 में कहाँ कहाँ थे थे, कहाँ थे थोड़ा सर। सोचना पड़ता है। एग्जैक्ट सर। सर गाइस आप शायद देख रहे हो कि सर इतनी कंट्रीज अभी तक घूम चुके हैं, जरूर इसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा मेहनत है, वर्क है वर्क है वर्क है, वर्क से ही सारी चीजें, तब जाके सर आज इतना अच्छा लग्जीरियस लाइफस्टाइल। आप देखिए गाइस, आप एक बार इमेजिन इमेजिनेशन कीजिए कि पर ईयर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में घूमना, पर ईयर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में घूमना और एक पैसा भी कुछ नहीं लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट 7 स्टार होटल में ठहरना अलग अलग, तो यार अमेजिंग सिर्फ लाइफ स्टाइल। पैसा लग नहीं रहा है बल्कि वहां पर शॉपिंग करने के लिए पैसा पैसा, मिलता शॉपिंग करने के लिए पैसा भी दिया जाता है, आप देखिए तो पैसा लग भी कुछ नहीं रहा है और कंपनी आपको शॉपिंग के लिए पैसा भी प्रोवाइड कर रही है। सर बेस्ट ट्रिप, सर अभी तक इन सब में से आपका बेस्ट ट्रिप कौन सा रहा है सर, सबसे जबरदस्त सर सबसे बेस्ट ट्रिप आपका कौन सा रहा है? है। जो आप भी जाते हैं ना, हर बार बेस्ट ही बेस्ट ऑफ दी बेस्ट ही होता है। हम सोचते हैं हम गए, जो हमारा बेस्ट टूर था, हम सबसे पहले गए दुबई। यार इतना शानदार कंपनी का, यार इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद थाईलैंड का रॉयल क्लिफ होटल, यार इतना बड़ा होटल, इसके बाद तो दुनिया खत्म है। उसके बाद गए स्वीडन स्टॉकहोम, यार इससे ऊपर क्या हो सकता है। उसके बाद गए अबू धाबी, यार ये तो बिल्कुल ही नई दुनिया है, बोरन ब्रदर्स, ये क्या हो सकता है, इसके बाद तो खत्म ही है। लेकिन हर बार नए नए एक्सपीरियंस, इतने ज्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि मैं बयान ही नहीं कर सकता वो चीज। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यार कभी भी ना, जब आप फॉरएवर कर रहे हो, अगर आप फॉरएवर का पार्ट बने हो, अगर आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल भी क्वालिफाई किया है, सो हमें कभी भी इस चीज को मिस मत करें। आपका डे वन पे ग्लोबल रैलिस के ऊपर फोकस होना चाहिए, ईएमआर के ऊपर फोकस होना चाहिए, चेयरमैन बोनस के ऊपर फोकस होना चाहिए। सो दोस्तों बिल्कुल नई जिंदगी है, जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। जो हम कभी वीडियोस में हम देखते हैं और यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, जो मर्जी देख लें, जो एक्सपीरियंस आपने वहां खुद फील करना ना, वो चीज कभी किसी कैमरे में कैद नहीं हो सकती, कभी सपने में नहीं आ सकती। मतलब फॉरएवर क्या है, फॉरएवर आपको फील करा कि आप राजाओं जैसी जिंदगी जीते हो, एक्सेक्ट और सर, राजाओं जैसा वहां पर फील होता है। इतना अच्छे तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है, आपको फॉरएवर मैनेजमेंट, फॉरएवर स्टाफ आपको रिसीव करने आता है एयरपोर्ट पे। मतलब वीआईपी फीलिंग आपको फॉरएवर का बोले भी, आप तो फॉरएवर के गेस्ट ही तरह, मतलब टोटली वीआईपी फीलिंग। आप जाते हो एयरपोर्ट पे, जाते हो होटल पे, एंट्री होती है, टोटली वीआईपी ट्रीटमेंट, और इतना शानदार एक्सपीरियंस, इतना अल्टीमेट, मतलब मैं बता ही नहीं सकता, शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता वो फीलिंग। एग्जैक्ट सर, एग्जैक्ट सर। सर लिटरली मैं आपसे, सर आप मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, लिटरली बहुत सारी चीजें आपसे सीखी है। सर एक सवाल, आप सबसे पहले तो सर आप बेस्ट बेस्ट बेस्ट, मुझे लगता है सर टीम फायर एंड वर्ल्ड बेस्ट एग्जाम्पल है एक लीडर के, आप एक लीडर के। सर एक लीडर कैसा होना चाहिए, सर एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए ताकि सर ये जो हमारा मेन बिजनेस है लीडर्स पे डिपेंडेंट है, मेन चीज है लीडर बनाना, सर एक लीडर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? बासित बेसिकली लीडर क्या होता है मेरे अकॉर्डिंग, है ना, लीडर क्या है, आपका जो फोकस है ना, फोकस होना चाहिए अचीवमेंट्स, जो मैंने अगेन बार 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 बोल रहा हूँ, है ना, ईएमआर, ग्लोबल रैली, सीबी, बी है अचीवर, ऑटोमेटिकली यू विल बी लीडर। अगर मैं एक लाइन की बात करूं, बी एग्जैक्ट सर, है अचीवर, ऑटोमेटिकली यू विल बी लीडर। आप अचीवमेंट्स करते हो, है ना, आपका फोकस काम के ऊपर है। सो देखो, हमने यहाँ पर कोई क्लासेस तो देनी नहीं है, जैसे कॉलेज में होती है या स्कूल में होती है, इंस्टीट्यूट में होती है। हम जहाँ पर क्या करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जितने भी हमारे लीडर्स आप देखते हो, उन्होंने कुछ ना कुछ अचीवमेंट की है। अचीवमेंट करने के बाद ही जो टीम को जो ट्रेनिंग्स होती हैं, अचीवमेंट, जैसे हम लोग बहुत सारे दोस्त हैं जो एमबीए को स्टडी करते हैं, बीटेक करता है, बीबीए करता है, एमबीए करता है, तो वहां पर लाखों रुपया पे करके हजारों रुपया कमाने के बारे में सिखाया जाता है। शायद वो भी नहीं सिखाया जाता, वो भी धक्के खाने के बाद आता है ना। एमबीए, एमबीए कौन सिखाता है, जो खुद वहां पर जॉब कर रहे हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं, है ना। जहां पर आपको फॉरएवर के, मतलब सबसे वो बेस्ट अच्छी बात लगती है ना, तो आपने कोई लाखों रुपए की यहाँ पर फीस पे करनी है,
बल्कि विदाउट पैसा खर्चे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स अटेंड करके आपको लाखों रुपए कमाने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। ठीक है, एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज आपने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल बी अचीवर है ना, उनको अचीवमेंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, अचीवमेंट्स करनी चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, उनको टीम के साथ एक रिलेशन बिल्डिंग, ये सबसे मेन पॉइंट है। क्योंकि बासित आपकी जो जो भी टीम है ना, आपके अट्रैक्ट में कोई भी पर्सन है, सोचो कि आप उसके साथ सारी जिंदगी के लिए रह सकते हो, ऐसे पर्सन को ही सिलेक्ट करके ज्वाइन करवाएं, अदरवाइज ऐसे ज्वाइन मत करवाएं, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, अगर आप टीम के साथ आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं हो सकती, आप रिलेशंस नहीं बिल्ड कर सकते, आप कभी भी फॉरएवर में सक्सेस नहीं हो सकते। फॉरएवर का जो बिजनेस है ना, एक लीडर को ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए और अपनी टीम को इसी की चीज के बारे में गाइड करना चाहिए कि जो आपकी टीम है उसके साथ आपके बड़े अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, हर दुख सुख में आप अपनी टीम के साथ होने चाहिए, है ना। और अचीवर हो गया, अचीवमेंट होगी, सेकंड हो गया रिलेशन बिल्डिंग, और थर्ड हो गया प्रॉपर नॉलेज, नॉलेज जो थ्री पीस है ना, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, वो अच्छे तरीके से अपनी टीम को गाइड कर पाए, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान है ना, जो लीडर है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हर एक चीज के लिए, रिस्पॉन्सिबल है ना, अपनी मतलब उसने कैसे अपनी टीम को गाइड करना है, मतलब ये नहीं ये एएस सोचे कि ये मेरे मैनेजर की ही है, ये हर एक वो पर्सन को है जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो नोवस कस्टमर है, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जितने भी पर्सन है उनका बिजनेस कब स्टार्ट होता है बासित, जब वो अपना बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, जब वो अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट करते हैं, जब वो अपनी टीम के साथ प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं, अपनी टीम को प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं, जब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की फॉरएवर कैसे होती है, पीपीटी से लेकर अपनी टीम को प्रॉपर क्लियर क्लैरिटी करवानी, प्रिंसिपल्स की नॉलेज देनी, एथिक्स की नॉलेज देनी, जब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, चाहे वो मैनेजर किसी भी लेवल के ऊपर है, जब वो लेनी स्टार्ट कर गए, इट मीन्स वो पर्सन सक्सेस है सिस्टम में, चाहे वो नोवस है, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जब वो इन चीजों को फोकस करेगा, इन चीजों को फॉलो करेगा, सो वो बड़ी जल्द जो सक्सेस है, वो जो कामयाबी है उसके कदमों में होगी, बड़ी जल्द वो इन अचीवमेंट्स को अचीव करके रैलीज को एंजॉय करेगा, ईएमआर को एंजॉय करेगा, लेकिन वही पर्सन जो अगेन एंड अगेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करेगा। एग्जैक्ट सर, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि गाइज आप सब लोगों ने देखा कि सर ने बताया नोस कस्टमर से लेके बराबर जितने भी अभी चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो या उसके ऊपर भी हो, तो सर का कहने का मतलब है एक मेन 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 जो लीडर होता है बी अचीवर, मीन्स हमें प्रैक्टिकल चीज है, जब हम चीजें अचीव करेंगे तब जाके हमारी टीम ये चीजें अचीव कर सकती है। जैसे कि सर ने बहुत एग्जाम्पल सेट की है हमारे लिए, इतने कंट्रीज घूम चुके हैं, ग्लोबल रैलीज, एमआर, ईएमआर, इतने कंट्रीज, इतना चेक रैस, इतना पे आउट मैनेजर्स क्रिएट करवाया अपने डाउन में। सर अभी के टाइम पे सर विजन क्या है? सर एक सवाल, सर अभी के टाइम पे विजन सर आपका क्या है अभी के टाइम का? सर बासित जैसे आप बता ही चुके हो कि जैसे ना मैं बहुत सारी कंट्रीज घूम चुका हूँ, जैसे आप इंस्पायर हो सकते हो ना मेरे से, सो मेरा यही विजन है कि जैसे मैं लाइफ जी रहा हूँ, मैं कंट्रीज घूम रहा हूँ, ग्लोबल रैली अटेंड कर रहा हूँ, कि मेरी टीम में मैक्सिमम लोग, शायद आपने मेरी ट्रेनिंग्स में भी सुना होगा कि मेरा एक ड्रीम है कि जब मैं रैली अटेंड करने के लिए जाता हूँ, 5, 7, 10, 20, 25, 30, 40 लोग होते हैं, है ना, वो हर बार बढ़ते जा रहे हैं, पहले 5 थे, फिर 10 थे, 15, 20, 25, 30, वो डे बाई डे हर साल बढ़ते जाते हैं। लेकिन मेरा ड्रीम क्या है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम पूरा प्लेन खुद बुक करेंगे। बस बुक करके सक्सेस डेज आते हैं, हम कभी जम्मू से बस बुक करके आते हैं चंडीगढ़ के लिए या दिल्ली के लिए अपनी पूरी टीम की। सो ये मेरा पर्सनली ड्रीम है, ये मेरा विजन है कि मैं यही चीज करूँ कि मैं इतनी टीमें, इतने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करवाएंगे, हम इतने ग्लोबल रैली क्वालिफायर्स होंगे कि हम पूरा प्लेन बुक करेंगे अपनी टीम के लिए, सभी टीम सोरिंग मैनेजर, फायर मैनेजर, क्योंकि हमारे प्लान में टीम इतनी पावर है, हमारा जो मार्केटिंग में इतना शानदार है, जहां तक हमें पहुंचेंगे 5-7 साल का टाइम लगा, आप सभी लोग 2-2.5 साल में वहां तक पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली इतना शानदार प्लान है कि जहां तक मैं पहुंचूंगा आप मेरे से भी आगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक इतना शानदार, इतना वंडरफुल प्लान है कि आप मेरे से भी ज्यादा पैसा, मेरे से बड़ा पे आउट, मेरे से भी ज्यादा अचीवमेंट्स, मेरे से भी कम टाइम में 2-2.5 साल में ले सकते हो, या उससे भी कम टाइम में ज्यादा अचीवमेंट्स ले सकते हो।
ये हमारे प्लान की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात है ना। सो बहुत ही अल्टीमेट प्लान है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें और बड़े ड्रीम्स लें, बड़ा सोचें, है ना। आप हमारे से भी आगे, मेरे से भी काफी आगे, जितना चाहो उतना आगे आप पहुंच सकते हो। एग्जैक्ट सर, जैसे कि आप गाइस सब लोगों ने सुना कि सर ने बताया कि हम टीम्स में मैक्सिमम सीबीज क्वालिफाई करवाएंगे, मैक्सिमम ग्लोबल रैलीज हम प्लेन बुक करेंगे, तो गाइस क्या आप रेडी है उसके लिए? करना कुछ नहीं है, बस सर एक प्रॉपर चीज जो कि सर ने हमें बताई उनको इम्प्लीमेंट करना है, ट्रेनिंग सीखनी है और वर्क करना है, काम से ही सब कुछ है। सर अब वर्क क्या चीज है? प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, मीटिंग्स पर डे, अगर सर जैसे सर ने बताया कि दो दो चार चार मीटिंग्स, एक एक दो दो मीटिंग्स अगर हम पर डे बल्क में नहीं कम क्वांटिटी में वर्क करें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जैसे कि सर ने बताया। सर रिसेंटली आपने बताया कि जो कि आपका लास्ट ट्रिप था वो बाली इंडोनेशिया में था, सर एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बेस्ट ट्रिप कैसा रहा? सर ट्रिप कैसा रहा? और एक और चीज सर, कुछ थोड़े से सर जो कि आपके वहां पे क्योंकि बेस्ट एक्सपीरियंसेस थोड़े से शेयर कीजिए सर हमारे साथ, की बेस्ट एक्सपीरियंसेस वहां पे क्या क्या रहे सर आपके? बाली टूर के, बाली ग्लोबल रैली 23 के बाद से बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत लीडर से हम लोग वहां पर मिले, मतलब के कंपनी मैनेजमेंट तो इतना शानदार है हमारा, इतना मतलब के मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ, एक सेकंड, क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? डिसेबल पार्ट, एक सेकंड, चलो अभी हो रहा है, एक सेकंड। ये सर शायद आप कर सकते हैं सर स्क्रीन शेयर। हाँ हो रहा है। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता, दिखाना चाहता हूँ। आई थिंक आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी। यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी सर। यस सर। सो बासिस जो देख रहे हो, शायद आप पता नहीं जानते होगे, पता नहीं सर, मैं शायद पहली बार इनको देख रहा हूँ सर। नहीं सर, शायद मैं इनको जानता हूँ सर, ग्रीक सर के सर बेटे हैं सर। एग्जैक्ट सर, ग्रीक सर के बेटे हैं। एक तरफ हमारे पर्सन एक छोटी सी अचीवमेंट हो, कोई मतलब किसी भी छोटे से लेवल का पर्सन भी अपने आप को बहुत बड़ा समझता, बहुत फीलिंग्स लेता है ना। एक तरफ हमारी मैनेजमेंट देखो, हमारे फॉरएवर का कल्चर कितना अच्छा है। सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस की बात की ना, कि क्या क्या एक्सपीरियंस शेयर करो। फॉरएवर का जो कल्चर है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतने डाउन टू अर्थ। ये हमारे बासिर हमारे जेवल की हमारे आने वाले शायद सीईओ है। एग्जैक्ट सर, कंपनी के मैं आज तक किसी, आप ऐसे पर्सन है जिनका भी मैं पूरे इंडिया में हो, मैं भी नहीं मिला अभी तक ऐसे किसी पर्सन को, है ना, पूरे इंडिया में जिसका अरबों खरबों का बिजनेस हो पूरे इंडिया में, लाइक टाटा अंबानी, या दो कंट्री में या पांच कंट्री में हो या दस कंट्री में हो, और मैं ऐसे पर्सन के साथ करूँ जिनका बिजनेस बासिर 167 कंट्रीज में, 167 कंट्रीज में बिजनेस है। और ये वहां पर कोई राजाओं जैसे नहीं घूम रहे, ये फॉरएवर स्टाफ की ड्रेस में है, फॉरएवर स्टाफ की ड्रेस है, और हमें गाइड करें कि आप इस साइड जाएं, आप इस साइड जाएं, वहां पर रजिस्ट्रेशन हो रही है, रजिस्ट्रेशन करके वहां पर ट्रेनिंग स्टैंड हो रही है। सो वाओ सर, अमेजिंग गाइस, लिटरली सर ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम यहां पे सर 2 मिनट हम यहां पे कि कोई लेवल हो जाता है, कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर या कोई भी कुछ चीजें अचीव कर रहा है कि हम शायद बोल रहे हैं नहीं यार इतना इतनी चीजें, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। आप देखिए कि हमारी मैनेजमेंट डाउन टू अर्थ कितनी है। ये ग्रीक सर के बेटे हैं, ग्रीक सर जो कि हमारे अभी सीईओ है और आने वाले टाइम में कंपनी के ओनर, कंपनी के सीईओ ये बनने वाले हैं, और ये सर को गाइड कर रहे हैं कि आप इस साइड जाए, इस साइड जाए, एज ए मैनेजमेंट वर्क कर रहे हैं। लिटरली सर अमेजिंग सर। ये एक वीडियो है बासित, हम ना ऐसे ही घूमते घूमते एक नुसा पैनेडा, वहां पर आइलैंड है बाली में छोटे छोटे आइलैंड है नुसा पैनेडा, हम वहां पर गए, तरन मेरे साथ है, तरन जी ना, वहां पर हम एक रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में वहां पर एक नॉर्मल पर्सन बैठा, शायद आप पहचानोगे अभी, हम उनसे नॉर्मली मिले वहां पर। यार अमेजिंग, वाकई जो फॉरएवर का कल्चर है वाकई अल्टीमेट है।
So we have big sir Sarvada. He is forever. Any, any message for forever India, sir? Yeah. What's up, Forever India? We love you guys. Keep up the great work. All right. We'll see you next year, okay? Thank you. Thanks, guys. Is that your bus over there? एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में जब गए वहां पर ड्रू मॉनग्रेग सर के बेटे वहां पर भी बैठे सो बड़ा ही शानदार एक्सपीरियंस मैं एक वीडियो प्ले करता हूं बासित एक सेक सर क्या बात है टीम व्यू देख सकते हो आप व्यू क्या व्यू है तो ऐसी लाइफ होनी चाहिए लाइफ को एक्सप्लोर करें मतलब जो हम वॉलपेपर्स लगे देखते हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं अच्छी लगते हैं आज ऐसा नजारा लाइव देखने को मिल रहा है कैमरे में भी वो चीजें कैद नहीं की जा सकती जो हम अपनी आंखों से फील कर रहे हैं जहां आकर फील कर रहे हैं बाकी सर मतलब तो मैं जगह जाऊंगा जिन्हें पर्सनली अपनी लाइफ में देखी हुई सो आप आइडिया लगा सकते हैं फोटो से पिक्चर से कि सोचा नहीं था जो सर ने बात बोली वॉलपेपर में और चुन चुन के लगाते थे ऐसे वॉलपेपर कि वॉलपेपर भी अगर अपने लैपटॉप में लग गए तो अपनी लैपटॉप की शाम मर जाएगी और ये जब आंखों में हमने कैप्चर कर रही है और यहाँ से पता चल रहा है पावर क्या है हमारे बिजनेस का जिसमें हम एक मिडिल क्लास फैमिली से उठाते हैं जिन वॉलपेपर का कभी देखते थे सोचते थे कि वॉलपेपर एक्चुअली करके हम घर पे लगाए उसको लाइव दिखा रहे हैं आज आप सब ग्रुप को देख रहे हैं और ये सब डेटा हम अपने साथ अपने फैमिली में जब शेयर करिए राइट सारा कुछ पॉसिबल बिजनेस की वजह से स्टे ट्यून लगे रहे जान लगे और बहुत सारी कंट्री से व्यूअर करनी है सर सर कितना व्यू है क्या कहना चाहोगे टीम के लिए कोई मैसेज देखो टीम मैं व्यू के बारे में अगर बताऊं ये डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है घूमने के लिए और जैसे तरुण जी ने बताया ना आपको पीछे कि ये जो एरिया है ना अगर आप देखोगे लैपटॉप में ऐसे वॉलपेपर लगते हैं जो हम किसी टाइम के हम भी ये देखते होते थे तो आज लाइव इसको देख रहे सो बहुत अमेजिंग है मेहनत करें ये ऐसे लाइफ फॉरएवर एंजॉय कराती है ना हमने भी ऐसा नहीं सोचा था तो यही फ्यूचर आपका है मेहनत करें चैलेंजेस आती है लाइफ में तो ओवरकम करके आगे बढ़े सो ऐसे बहुत सारा मतलब कि एक बसित एक तरह का वो था मतलब ऐसे हमने बहुत चीजें वहां पर एक्सप्लोर की बहुत लाइफ देखी और एक रैली में एक चीज और मुझे एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस देखने को मिला वहां पर शहर मुझे भी ये चीज लगती है यार जैसे हम सोचते हैं कि सीनियर मैनेजर सोरिंग मैनेजर सफायर डायमंड डबल डायमंड ट्रिपल हमने सुना था सेंचुरियन मैनेजर लेकिन आज तक कोई भी सेंचुरियन मैनेजर की रिकॉग्निशन नहीं देखी थी मैंने लेकिन इस ग्लोबल रैली पे मैंने सेंचुरियन मैनेजर्स की रिकॉग्निशन भी देखी है वहां पे और वो भी 100 मैनेजर्स के साथ नहीं डायरेक्ट में 100 मैनेजर नहीं 120 मैनेजर 122 मैनेजर 125 मैनेजर डायरेक्ट में सर मतलब के एक्चुअल फॉरएवर में कोई लिमिट नहीं है एक तरह का समुंदर है फॉरएवर आप जो चाहो जितना चाहो जहां तक चाहो वहां तक पहुंच सकते हो जो चाहो वो चीज यहां से अचीव कर सकते हो फॉरएवर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉरएवर बहुत बड़ी है इस चीज को अंडरस्टैंड करें ठीक है और अच्छे तरीके से समझ के पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करके एथिक्स के साथ अपनी अप्लायंस के साथ मिलकर बहुत बड़ा हम यहाँ पर एम्पायर खड़ा कर सकते हैं एग्जैक्ट सर सर लास्ट सर लास्ट क्वेश्चन है सर बस जाते जाते सर टीम के लिए सर कुछ प्रो टिप्स सर बहुत सारे पार्ट्स हैं टीम के लिए जाते जाते सर प्रो टिप्स इतना सर बढ़िया पे आउट 5.5-6 लाख रुपए सर इतने कंट्रीज घूमना 900 से ज्यादा टीम में मैनेजर्स 900 से ज्यादा गाइस सर इतना नेटवर्क जाते जाते सर कुछ टीम के लिए प्रो टिप्स सर जो आप कुछ प्रो टिप्स शेयर कीजिए जाते जाते टीम के साथ सर सो बासित जिसने तो सारे जो मेरी जो हमारी टॉक है जो जो सारी
सुनी होगी तो उसमें तो बहुत सारे टिप्स हैं सर, बहुत सारे टिप्स मैंने खुद लिख के रखे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, बी अचीवर, रिलेशन बिल्ड करना है, कुछ बंदों को लिमिटेड रिक्रूटमेंट करनी है हमें। सर कुछ और थोड़े से प्रो टिप्स दे दीजिए सर जाते जाते टीम के लिए। बस यही है जो, तो बाकी तो बहुत सारे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ ना। बाकी कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ कॉन्टिन्यूस एफर्ट करते रहे, है ना। फॉरएवर में जो पर्सन मेहनत कर रहा है, जो पर्सन लगा रहेगा, उसने एक दिन मंजिल के ऊपर पहुंच ही जाना। लास्ट में यही वर्डिंग है मेरी कि जो मेहनत करेगा, पॉलिसीज को फॉलो करेगा, एथिक्स को फॉलो करेगा, है ना। बहुत सारे पर्सन यहाँ पर भी शॉर्टकट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोलियर फॉरएवर तो खुद में अपने आप में शॉर्टकट है। लोग लाख रुपया कमाने के नहीं सोचते, जहाँ पर 2-3 साल में भी आपको 1 लाख रुपया बनाना स्टार्ट हो जाए, और इससे शॉर्टकट क्या हो सकता है, है ना। तो हमेशा सिस्टम को फॉलो करें, एथिक्स को फॉलो करें, प्रोडक्ट कंज्यूम करें, मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज करें, यूज करवाएं, है ना। और अपने बिजनेस को अपने सर्कल में शेयर करें, अपने नियर एंड डियर्स के साथ, जिसको आप कामयाब देखना चाहते हो उस पर्सन के साथ फॉरएवर को शेयर करें। सिस्टम के ऊपर बिलीव रखें, विश्वास रखें, अपने आप के ऊपर विश्वास रखें, टीम 5-6-4 के ऊपर विश्वास रखें। हमारा बहुत अच्छा आपके पास, आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपके बहुत ही शानदार एक सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो आप सिस्टम को ऐसे करते करते आप आने वाले टाइम में हम सभी ने बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर पहुंच ही जाना है। जस्ट अपनी सक्सेस को फील करना स्टार्ट कर दें। जब आपको फील आना स्टार्ट हो गया ना कि आप फट्टे चक दोगे, बल्ले बल्ले करवा दोगे, इट मीन्स आप अच्छे लेवल के ऊपर, सही ट्रैक के ऊपर काम कर रहे हो। जब आपको फीलिंग आनी स्टार्ट होगी, है ना, कि यार आप बहुत ग्रो करोगे, रहना आप काम नहीं हो रहा, लोग नहीं आ रहे, इस इंटेंशन के साथ करोगे तो ना काम होगा ना लोग आएंगे। अगर यार बहुत बल्ले बल्ले करवा देनी है, धमाल मचा देनी है, जिसने करना है, जैसे अभी मैंने सुना था कि कश्मीर से एक AS का 91,000 का पे आउट आया रिसेंटली। डायरेक्ट में मतलब कुछ हर एक चीज पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना। सो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। सो आप भी कर सकते हो। सो डिसीजन लें अच्छे तरीके से, अंडरस्टैंड करें। सो आप भी हमारे साथ ऐसी लाइफ को, ऐसी जिंदगी को आप लोग भी एंजॉय कर सकते हो, आप लोग भी डिजर्व करते हो। एग्जैक्ट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। लिटरली सर आज आपने टाइम दिया, बहुत सारा एक्सपीरियंस, जितने भी पर्सन है सर, आई होप कि एक प्रॉपर क्लियरिटी, प्रॉपर विजन सर, एक रोड मैप आज आपने बता दिया कि कैसे हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं। जाते जाते गाइज, अगर नोट डाउन आप सब लोगों ने किया, बस इंप्लीमेंट करना, दो चीजें चलेंगी अब आपके माइंड में, एक तो रावण चलेगा, दूसरा जीवन चलेगा। रावण क्या चलेगा सर, सर ने शायद पता नहीं क्या बात कर रहे थे, कुछ वीडियो दिखाई इन्होंने, स्टॉक होम वो चीजें ये चीजें पता नहीं, तो शायद चीजें उनके लिए वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर दूसरी चीजें चलेगी, जीवन, नहीं यार सर ने ये चीजें बताई, सर ने इम्प्लीमेंट किया, मैं भी करूंगा, डेफिनेटली मैं भी ऐसा ही लाइफस्टाइल एंजॉय करूंगा। तो लिटरली गाइज बस इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस करना है, रिटेलिंग पे फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स खुद पे यूज करने हैं, जैसे कि सर ने बताया स्टार्टिंग में बिजनेस प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, रिटेलिंग की, उसके बाद पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टार्ट किया, प्रॉपर मेहनत की, कुछ बंधु को रिक्रूट किया, उनसे सर्कल में टच गए, उसके बाद स्ट्रगल बहुत सारा फेस किया, धीरे 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 लेवल्स क्वालिफाई की, और आज इतना अच्छा लाइफ स्टाइल है सर। सर थैंक यू सो मच, लिटरली सर दिल से मैं आपको लिटरली सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया आज, लिटरली बहुत सारे पर्सन को सभी का थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। लिटरली गाइज मैं कंक्लूड करता हूँ आज के सेशन को, जाते जाते मैं इस एक शेयर आपके साथ सुनाना चाहता हूँ, जाते जाते मैं इसी से कंक्लूड करना चाहूंगा आप सब लोगों को। एक अखबारी हूँ सही मेरी औकात ही क्या है, एक अखबारी हूँ सही मेरी औकात ही क्या है, लेकिन पूरे शहर में आग लगाने के लिए काफी है। तो गाइज बस इम्प्लीमेंटेशन करनी है, आग लगानी है, प्रॉपर सीखना है, मेहनत करनी है, पे आउट्स बनाने। बाकी थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। मैं कंक्लूड करता हूँ आज के सेशन के लिए, साइनिंग ऑफ दिस साइड बासित असलम, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर, दिस साइड बासित असलम, आई एम फॉर एवर।